यूज करेंगे जहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला होगा वहाँ पे, हर जगह वॉल्यूम को नहीं देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ना बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या कि ये इसका रेसिस्टेंस था, है ना। अब रेसिस्टेंस जोन के पास रैली देखने को मिला रेसिस्टेंस टूटने के बाद में, है ना। रेसिस्टेंस जब टूटा तो रेसिस्टेंस टूटने से पहले क्या देखने को मिला कि हम लोग हमेशा जानते हैं कि ब्रेकआउट जब आता है तो उसका हाई जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता हुआ था ना। तो ये हाई को मार्केट क्या किया, रिस्पेक्ट दे रहा था, मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। ये रेंज कहाँ पे बना, ब्रेकआउट के पास रेसिस्टेंस था ना यहाँ पे। ये क्या है, ये रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस के पास रेंज बन रहा है, डायरेक्ट ब्रेकआउट तो नहीं आता लेकिन रेंज बनाया तो ब्रेकआउट तो आ सकता है। अब जब रेंज बनाया तो यहाँ पे अब क्या देखने को मिल रहा है कि जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, अपना डिक्रीज हो जा रहा है। जब मार्केट नीचे की तरफ गिरा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम का मतलब क्या है, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है कोई यहाँ पे, टोटल नंबर बायर्स एंड सेलर्स को कहते हैं। तो मार्केट जब गिरा तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लगा रहा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होता है, नीचे जाने के लिए कोई पैसा नहीं लगा रहा है। उसी जगह पे जब मार्केट अप साइड में जा रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब मार्केट जिस फेवर में जाना चाह रहा है। वॉल्यूम से देखकर समझ में आ रहा है कि लोग इंटरेस्ट किस साइड के लिए दिखा रहे हैं, अप साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए। जब वॉल्यूम देख के समझ में आया तो मार्केट गिर रहा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, मार्केट नीचे गिरना नहीं चाहता, मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम में इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है अपसाइड के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट आया तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाते तक जाता रहा। क्लियर हुआ।